जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हर छठ के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता हेतु किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि वर्ष 2024 में हर छठ या हलषष्ठी कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगा, हल छठ की पूजा विधि क्या है तथा हल छठ में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो दोस्तों, हर छठ के दिन महिलाएं एक छोटा सा गड्ढा बनाती हैं जिसे तालाब का रूप देती हैं। उसके बाद झरबेरी, पलाश और कांस को उसके बीच में गाड़ देती हैं। उसके बाद माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा होती है। इसके साथ ही छठ माता की पूजा का भी विधान है। पूजा के समय 7 प्रकार के अनाज अर्पित करने का भी विधान है। हर छठ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सूर्योदय के पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले एक लकड़ी के चौक पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस चौकी में बलराम या कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। बलराम जी की मूर्ति पर चंदन का तिलक करें, उन्हें फूल अर्पित करें। अंत में भगवान विष्णु की पूजा व आरती करें, पूजा सम्पन्न करें। इस दिन बलराम जी के अस्त्र की पूजा का भी विधान है। इसके बाद हलषष्ठी व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। हल छठ के व्रत में हल का जोता हुआ कोई भी फल या अनाज नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि गाय के दूध दही के सेवन करने की भी मनाही होती है। आप भैंस के दूध दही व घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें हल छठ किस दिन रहेगा, तो हल छठ 24 एवं 25 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 24 अगस्त को एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र में 25 अगस्त को हर छठ मनाया जाएगा एवं कुछ क्षेत्र में दोनों दिन मिला जुला हर छठ का त्यौहार मनाया जाएगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।